हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एडो अरेना कोटा पर। और आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, श्रीगंगानगर में जो नीट के एस्पिरेंट के साथ जो कुछ भी हुआ था, उस पर वहाँ के सांसद जी ने जो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की, और इसके बाद मनसुख मांडविया जी ने परीक्षा का सेंटर था वहाँ पर जितने भी कैंडिडेट थे उन सब का दोबारा से नीट का एग्ज़ाम करवाने के निर्देश दे दिए गए। अगर आपने ये न्यूज़ की वीडियो क्लिप नहीं देखी तो एक बार ये वीडियो क्लिप जरूर देखें। और देखिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और इसे एक तरह से आप हमारी खबर का असर भी मान लीजिए। दरअसल श्रीगंगानगर में नीट 2022 की जो प्रवेश परीक्षा है वो दोबारा करवाई जाएगी। अब देखिए किन लोगों को दोबारा रीअपियर होना पड़ेगा परीक्षा के लिए। साधुवाली छावनी में जो आर्मी पब्लिक स्कूल है, उधर जो 936 परीक्षार्थी थे उनकी दोबारा से एग्जाम होनी है। श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने परीक्षा दोबारा कराने के इसके बाद निर्देश दिए हैं। न्यूज 18 राजस्थान ने ये खबर चलाई थी कि नीट प्रवेश परीक्षा में भारी गड़बड़ियां हुई हैं, और हमने उन्हें उजागर किया था और गंभीर सवाल भी खड़े किए थे। वीडियो क्लिप देख लिया होगा, अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि उस जो सेंटर पे थे 936 कैंडिडेट हैं, उन सब का दोबारा से नीट का एग्जाम होगा। तो मैं उन सब कैंडिडेट्स को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि वे वापस नीट के एग्जाम की तैयारी करने लग जाएं। एग्जाम कब होगा अभी इसकी कोई ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन नहीं आई है NTA की तरफ से, पर एग्जाम होगा। तो आप अभी से ही इसकी प्रिपरेशन करने लग जाएं। अगर एग्जाम कब हुआ इसकी जानकारी के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हम आपको कंटिन्यूसली इस जो NTA ने जो भी इन्फॉर्मेशन देगी उसके हम आपको यहाँ पर अपडेट देते रहेंगे। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर कीजिए। और उन सब 936 कैंडिडेट को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और कंटिन्यू अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।